चलते हैं आगे। अब देखो ये सारे आपके सामने जो भी अपोजिट्स लिखे हैं हमने, ये आपने बुक में भी देखे होंगे, है ना, बुक में भी देखे होंगे, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि सब सिंगल सिंगल भी जो है हमने याद करे होते हैं, सिंगल जैसे ए जेड को आजाद, बी वाई से बॉय, इस तरीके से। लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं ना, थोड़ा सा अट्रैक्टिव देखेंगे, जैसे कि एक स्टोरी के थ्रू हम याद करेंगे और उस स्टोरी से आपको आज की क्लास में सब जो है बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो मेरे साथ ध्यान से देखिएगा, फिर उसके बाद जो है आप नोट करिएगा। पहले अगर मैं बात करूँ ए जेड, तो अब आप और आपका दोस्त आज घूमने जाने वाले हो। ध्यान से सुनना स्टोरी, आप और आपका दोस्त घूमने जाने वाले हो। आप लोग प्लान कर रहे हो कि भाई आज तो अपने को घूमने चलना है। आपका दोस्त आपको फोन लगाता है और कॉल करके बोलता है कि भाई आज घूमने चलना है। उसने कॉल करा और क्या बोला, ए जेड से। अब देखो वही ए जेड से आज, बहुत से लोग आज को आज बोलते हैं ना, वैसे ही आपका फ्रेंड है वो क्या बोलता है, आज। तो उसने बोला भाई आज अपने को घूमने चलना है। अब हम घूमने कैसे जाते हैं, तो अच्छा लगता है किससे, बाइक से जाना है ना, और अभी बाइक ही होगी हमारे पास, तो आज हम बाइक से घूमने जाएंगे। ठीक, बाइक से, कौन सी बाइक से, तो एक बाइक कोई भी कंसिडर कर सकते हो जिसमें सी एक्स आ जाए। तो आपने देखा होगा थोड़ी सी पुरानी बाइक है, यामाहा क्रक्स पहले चला करती थी, अभी तो कम दिखाई देती है, तो उसी बाइक का नाम हम लोग इंक्लूड करेंगे कि आज बाइक से, कौन सी बाइक से, क्रक्स से घूमने जाएंगे एक ऐसी जगह जहाँ पर हमने जिसको टीवी में देखा है बचपन में, है ना। कौन सी जगह, देखो DW से कुछ भी बना सकते हो आप, द्वारका, आप देवास, कुछ भी बना सकते हो, लेकिन हम थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, डिज्नी वर्ल्ड चले जाते हैं। देखो भाई क्रक्स को लेके हांगकांग ही पहुंच गए अपन, इतने दूर, है ना, डिज्नी वर्ल्ड। तो आज बाइक से, कौन सी बाइक से, क्रक्स से कहाँ जाने वाले हैं, डिज्नी वर्ल्ड। घूमने किस समय जाना पसंद है, कब अच्छा लगता है, तो इवनिंग में जाना अच्छा लगता है, तो कब जाएंगे हम लोग भी, इवनिंग में जाएंगे। ठीक है, कब जाएंगे, इवनिंग में जाएंगे। फिर रास्ते से हमको पेट्रोल भी डलाना पड़ेगा ना, फ्यूल डलाना पड़ेगा, उतना तो होगा नहीं, अभी बहुत दूर जाना है, तो इसलिए फ्यूल डलाएंगे। कहां से डलाएंगे बोलो, जीटी रोड, जगह का नाम क्या है, जीटी रोड। तो आज बाइक से, कौन सी बाइक से, क्रक्स से डिज्नी वर्ल्ड जाओगे, कब जाओगे, इवनिंग में। फ्यूल डलाओगे कहां से, जीटी रोड से। फिर आपने अपने फ्रेंड से पूछा, भाई पहले तो ये बता कितने घंटे लगेंगे वापस आने में, तो HS से क्या बोल सकते हो, बोलो आवर्स। क्या बोलोगे, आवर्स। कितने आवर्स लगेंगे वापस IR से इधर आने में, इधर मतलब अपने घर आने में, तो क्या बोला आपने, कितने आवर्स लगेंगे वापस इधर आने में। अब आप गए, बेहतरीन घूम कर आए, बहुत मजा आया आपने, बहुत एंजॉय करा। फिर हमने देखा, जब हम कहीं से घूम के आते हैं तो हम थक जाते हैं ना, थकन हो जाती है, तो ऐसा मन होता है कि कोई चाय पिला दे या कॉफी पिला दे। तो आप बहुत थके हुए थे, मन तो खुद का था नहीं कि खुद जाके बना लाए, तो आपने दोस्त से बोला कि भाई जाके, जे से जा और क्यू से के, भाई जाके, के से का और पी से प, कप, एल से ला और ओ से ओ, भाई जाके कप लाओ, है ना, आप जाके कप ला दो। तो अब आपका दोस्त भी थका हुआ है, क्या वो आपको कप ला के देगा, नहीं, वो भी काम चोर है आप ही की तरह, वो बोलेगा एम से मैं और एन से नहीं ला रहा, मना कर देगा। तो उसने बोला मैं नहीं ला रहा, ये लो, मना कर दिया उसने, है ना। तो यहाँ आपकी स्टोरी एंड होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और आज जो है ये आज ही के आज आपको याद हो गई होगी, और सारे अपोजिट्स भी इसके साथ याद हो गए होंगे। एक बार रिवाइज करेंगे, आज बाइक से, कौन सी बाइक से, क्रक से कहाँ जाओगे, डिज्नी वर्ल्ड, कब जाओगे, इवनिंग में। फिर फ्यूल डलवाओगे कहाँ से, जीटी रोड से। फिर आपने बोला कितने आवर्स लगेंगे वापस इधर आने में। फिर क्या बोला, घर आ गए, भाई जाके कप ला दो, तो उसने क्या बोला, मैं नहीं ला रहा, और यहाँ पर स्टोरी एंड होती है। जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। रिवाइज करते जाएं, साथ ही साथ देखिए घर पर आपका एक काम है, जो भी हम आज पढ़ रहे हैं आपका, आपकी जिम्मेदारियां आपको बिल्कुल ईमानदारी से निभानी है। पहली चीज, जो भी पढ़ते हो उसका रिवीजन याद से, क्लास में आने से पहले आप रिवीजन करके आएंगे कि हमने कल क्या पढ़ा था, ठीक है, नहीं तो ऐसे आप भूलते जाएंगे, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे आप भूलते जाओगे, ठीक है। तो आप ये याद करोगे आज घर जाके, और आप रिवाइज करके अगली क्लास में आओगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे साइड से मैं पूरा एफर्ट लगा रही हूँ, आपको अपने साइड से भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन की जर्नी आपकी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलें आगे, हो गया होगा आई होप नोट। चलिए अगली हेडिंग डालिएगा, प्लेस वैल्यूज ऑफ लेटर्स। तो अब हम अक्षरों के क्रमांक याद करेंगे, अक्षरों के क्रमांक।
सारे के सारे पहले सारे लेटर्स लिख लेंगे एक साइड, ठीक है। अब इन पे सब पे नंबर्स डाल दीजिए। सारे नंबर्स लिख लिए हैं हमने और सारे प्लेस वैल्यूज लिख लिए हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, वहाँ पे थोड़ा सा आपको शायद ए और जेड कट गया होगा, है ना, तो वो ए का नंबर 1 और जेड का नंबर 26 से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो मैंने लिखा है इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट हाफ। ए से एम तक क्या कहलाता है? फर्स्ट हाफ, पहला पूर्वार्ध। क्या कहलाता है? पहला पूर्वार्ध। और N से Z तक क्या कहलाता है? सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ, दूसरा पूर्वार्ध। देखो क्या होता है, हमारे अल्फाबेट्स दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। अब मैंने सेकेंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में इसलिए लिखा जिससे सारे के सारे ऑपोजिट्स भी सामने सामने हमारे हो जाएं। आ रही है बात समझ में, है ना? तो हम याद करेंगे, अब इनको एक एक करके देखते जाएंगे। सबसे पहले A, तो A का नंबर वैसे तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी हमको याद रहता है, A1, है ना। लेकिन फिर भी हम अगर देखें तो आपने बहुत सारी शॉप्स पर लिखा देखा होगा ना, A1 क्वालिटी है, है ना, मतलब कि बहुत सुप्रीम है, तो A1 शॉप, है ना, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें। तो A1 का मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, तो वही है। बी को अगर अपन याद करने की बात करेंगे तो बी के लिए आप लोगों ने देखा होगा, आप में से कुछ लोगों का नाम घर पे भी होगा, बताओ क्या? बिट्टू, ठीक है, क्या हो जाएगा? बिट्टू। तो बिट्टू में साउंड आता है किसका? B2, B2 मतलब बिट्टू, है ना। तो बिट्टू को आप याद रख सकते हो, B का प्लेस वैल्यू कितना है? 2 है। आगे अगर हम देखें तो हमने कुछ मल्टीपल्स भी बनाए हैं उसके पहले, हाँ, D को देखते हैं, D, अभी C को छोड़ दो, C भी बता देंगे। D को याद रख सकते हो क्या? ABCD पढ़िए ना, D फॉर डॉग, तो खुद ही बताता है, D4, तो D का नंबर कितना हो जाएगा? 4, तो D फॉर डॉग। आगे चलेंगे, अगर हम देखें कुछ मल्टीपल्स, तो मैंने एक वर्ड लिखा, प्रोनाउंस करके बताओ ये क्या होगा, ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इसको क्या पढ़ोगे आप, पढ़कर बताओ मुझे, ठीक है। 5, 10, 15, 20 और 25, 5 के मल्टीपल हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 5 के मल्टीपल हैं, इनको क्या पढ़ सकते हो? तो इजोटी पढ़ रहे होगे, इजोटी। अब इजोटी नहीं पढ़ना है ना, थोड़ा सा फनी बना दो, चीज़ें देर तक याद रहेंगी। तो इजोटी को इजोटी ना पढ़ कर दो, देखो E फॉर A, E को क्या पढ़ोगे? A, और ये क्या हो जाएगा आपका? ज्योति, ध्यान से दिख रहा है ना, A ज्योति। तो A ज्योति में किसके मल्टीपल्स आ रहे हैं? 5 के। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। आगे चलते हैं, आगे हमने देखा एक और वर्ड, इसको पढ़ें जब तक आप प्रोनाउंस करें, इसको क्या पढ़ सकते हैं आप, और मैं इसके मल्टीपल्स लिख रही हूँ, तो यहाँ पर ये 3 के मल्टीपल हैं, इसमें 3 के मल्टीपल हैं, क्या पढ़ोगे? तो इसको ध्यान से देखो, इसको सिफिलोरक्स पढ़ोगे, सिफिलोरक्स, सिफिलोरक्स। अब सिफिलोरक्स को कैसे याद रखोगे? तो देखो कोरक्स, ध्यान से देखो कोरक्स, कोरक्स एक खांसी की दवा का नाम है, जो हम बचपन में ज़्यादातर मम्मीज हम लोग को जब खांसी होती थी तो पिला दिया करती थी, तो वही कोरक्स, कोरक्स यहाँ पर भी नोट है, देखो कोरक्स, FIL मतलब फिल, समझ लो इसको भरा हुआ, तो कोरक्स की भरी हुई बॉटल, कोरक्स की भरी हुई बॉटल का नाम क्या है? सिफिलोरक्स है। और इसी सिफिलोरक्स में किसके मल्टीपल हैं? 3 के मल्टीपल हैं। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे देखेंगे और मल्टीपल्स। फिर मैंने अगले मल्टीपल लिखे कुछ 4 के, 4 के मल्टीपल हैं। इसको आप क्या पढ़ोगे? इसको DHLPTX ही पढ़ोगे, DHLPTX। याद कैसे रखोगे? तो वो ध्यान से समझना, DHL से बोलो दिल्ली, DHL से दिल्ली, PT से बोलो पिट गया, दिल्ली जाके पिट गया, कौन पिट गया? X, दिल्ली जाके पिट गया X, तो दिल्ली जाके पिट गया कौन? X। तो इसमें आप किसके मल्टीपल्स देख पा रहे होगे? 4 के मल्टीपल, समझ आया? अब कुछ सिंगल सिंगल देख लेते हैं, कुछ सिंगल देख लेते हैं, जैसे लाइक मैंने आपसे बोला, इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद जो सिंगल बचे हैं उनको देखेंगे, जैसे G हुआ, H हुआ, I हुआ, इस तरीके से। तो उसको एक बार नोट डाउन कर लें फटाफट से, या स्क्रीनशॉट ले लें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, लाइक ज़रूर करें, ठीक है।
और कमेंट करके जरूर बताएं कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई दिक्कत है। हाँ जी, आ रहा है समझ में, बढ़ जाएं आगे, आगे लिखते हैं, है ना, आगे कुछ देखेंगे और भी। मैं मिटा रही हूँ इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए, अगर हम बात करें किसकी, जी की, तो आपने देखा होगा जी का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि इसके जो टेल वाला सेक्शन है ना, इसकी पूंछ में कितना नजर आता है, देखो सात, जी की पूंछ में नजर आता है कितना, सात। फिर उसके बाद अगर अपन एच की बात करें, तो एच को ध्यान से देखोगे अगर, तो एच में अगर हम एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे बना दें तो क्या बन जाता है, एट, एट, है ना। या फिर आप हेट वर्ड से याद रख सकते हो, हेट, हेट नफरत घृणा वही है ना, तो एच एट कैसा साउंड कर रहा है, देखो एच एट, एच एट। देन आई की अगर एफ की बात करते हैं, पहले एफ को देखोगे तो एफ में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक आर्क, यहाँ पर एक आर्क बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन, सॉरी, एफ सिक्स, है ना, तो ये क्या बन रहा है, देखो सिक्स, या फिक्स सिक्स से भी याद रख सकते हो, फिक्स सिक्स, राइमिंग वर्ड। तो एफ किसकी तरह दिखाई देता है, सिक्स की तरह दिखाई देता है। देन आई को याद रखते हैं हम, आई नो से, मुझे पता है बोलते हो ना बार बार, मेरे को पता है, बहुत पता है बेटा, है ना, तो यहाँ पर आई नो, आई नाइन, कर्सिव राइटिंग वाला भी आई नाइन की तरह ही रिप्रेजेंट होता है। देन के को अगर हम देखें तो किंग्स इलेवन टीम, अब नहीं बची मगर उससे याद रख सकते हो करना हो तो किंग्स इलेवन पंजाब से आप याद रख सकते हो, के का नंबर इलेवन है। अच्छा नहीं लगा ना, देखो एक चीज़ और भी हो सकती है, मान लो ये थी पहले के, ऐसा दिखता था, ये उसके दोनों पैर थे बिल्कुल सीधे थे, दोनों पैर सीधे थे, एक बार उसका एक्सीडेंट हुआ है ना, और एक्सीडेंट के बाद उसका एक पैर जो है वो तिरछा हो गया और यूं हो गया, के बन गया वो, ठीक है। तो कैसे भी याद रख सकते हो, थोड़ा फनी वे में याद करोगे तो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी और जो है आप उसको बाद में रिकॉल ईजिली कर पाएंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एम को अगर हम देखें तो एम को मूवी का डायलॉग है, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, धर्मेंद्र की मूवी है ना, तो मैं तेरा, एम से याद रखो मैं और यहां पर तेरा, ठीक है, एम तेरा, ठीक। या मैं तेरा हीरो वरुण धवन की मूवी भी है, आपने देखी होगी, मेरा तेरा कुछ भी बोल सकते हैं। एम को जस्ट उल्टा कर दें तो क्या बनता है, बोलो डब्लू, क्या बनता है, डब्लू। अब तेरा तो वो हो गया, आप एम को जब पलटोगे तो जब तेरा था तो तेरा में दस और ऐड कर लेगा और कितना बन जाएगा, बोलो 23। पहले एम तेरा था, फिर पलट दिया तो दस और ऐड हो गए, कितना हो गया 23। या ये नहीं ठीक लग रहा है तो आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, दो पॉइंट तो टू यहाँ लिखा, वन टू थ्री, थ्री पॉइंट तो थ्री यहाँ लिख दिया, क्या बन गया 23। एन को याद रखने के लिए, एन फॉर नवंबर, चिल्ड्रंस डे कब आता है बोलो, 14 तारीख को, तो 14 तारीख को चिल्ड्रंस डे है, तो N14 याद रख सकते हो। देखो याद करने का सपना सबका अपना तरीका होता है, आप कैसे भी चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, मेन मोटो ये है कि आपको सारे प्लेस वैल्यूज याद होने चाहिए, आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट, एस को कैसे याद रखोगे भाई, तो एस को आप बोलोगे सुनीस, सुनीस, ठीक है, एस फॉर सुनीस, सुनीस वर्ड में आप देख पा रहे होगे एस उनीस नाम आ रहा है ना। फिर उसके बाद टी को कैसे याद रखोगे, बोलो T20। क्यू को कैसे याद रखोगे, तो क्यू का मतलब याद रख लो खतरा, कौन से नंबर पर खतरा होता है, 17 पर खतरा होता है, कौन से पे, 17 पर। फिर वी को अगर हम देखेंगे तो वी फॉर विक्ट्री, विक्ट्री के लिए बताते हैं ना वी, तो विक्ट्री के लिए हम लोग सिंबल कैसे बनाते हैं, ऐसे वी फॉर विक्ट्री है ना, अब ये दो फिंगर्स बताते हैं ना, तो यहाँ पर अभी हमारा टू बी बिट टू के लिए हो गया, तो अभी हम यहाँ पर इस तरीके से बताएंगे विक्ट्री, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 22। सारे के सारे हो गए हैं नंबर्स, आई होप, तो देख लीजिएगा आप, है ना, बाकी जेड वेड तो याद रहता है हमको, और भी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से।